ये कहानी 2005 की है, जब सकलेशपुर से कुक्के सुब्रमण्य रेल मार्ग पर रेल यातायात बंद था। ये रेल यातायात का मार्ग बैंगलोर से मैंगलोर को जोड़ता है। सकलेशपुर से सुब्रमण्य का रास्ता उसी लाइन पर वेस्टर्न घाट के जंगलों के बीच से जाता है। अत्यधिक घने जंगलों और पहाड़ों से होकर जाने वाली अत्यंत रोचक यात्रा में 52 किलोमीटर लंबी रेल पटरी पर 58 सुरंगें, 109 पुल और 25 झरने पड़ते हैं। मैंने अपने एक पुराने मित्र संतोष कुमार मिश्र के साथ मिलकर इस पटरी पर पैदल यात्रा का एक प्रोग्राम बनाया। संतोष बेंगलोर के पास तमिलनाडु सरकार में कार्यरत था। संतोष मेरे साथ कानपुर में पढ़ता था और 22 साल के बाद उसके साथ ट्रैकिंग पर जाने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक था। जल्दी निकलकर हम बस से सकलेशपुर पहुंचे और हमने रेल पटरी पर यात्रा शुरू कर दी। पटरियों के ऊपर पुल पार करना बड़ा ही रोमांचकारी था, क्योंकि पटरियों के बीच से 1000 फीट नीचे बहती हुई नदी को देखकर कलेजा दिल में आ जाता था। पर असली घटना तो अभी बाकी थी। दोपहर के बाद हम एक सुरंग पार कर रहे थे। हमने 7/8 सुरंग की लंबाई पार कर ली थी, तभी हमें दूर एक 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेल आती हुई दिखाई दी। अब हमें ये पता था कि सवारी गाड़ी का यातायात बंद है, पर यह नहीं पता था कि मालगाड़ी तो चल रही है। बड़ी दुविधा भरी स्थिति थी। रेल सुरंग में इतनी जगह नहीं होती है कि रेल की पटरी के साथ आदमी भी चल सके। हमें बचने के लिए रेल से पहले सुरंग के बाहर निकलना बहुत ही जरूरी था। दोस्ती निभाते हुए हमने ये निश्चय किया कि संतोष रेल की दिशा में और मैं उल्टी दिशा में दौड़ूंगा। हमें लगा कि ऐसा करने से हम में से एक के बचने की उम्मीद ज्यादा होगी। अगर दोनों ही साथ साथ एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो दोनों का अंजाम एक ही होगा। खैर, हमारा निर्णय ठीक ही निकला। हम दोनों बिल्कुल बाल बाल बचे। संतोष अब छत्तीसगढ़ सरकार में कार्यरत है और खुश है। अब आपको ये बताना है कि हमारी दौड़ने की गति कितनी थी, और ये मान लीजिए कि संतोष और मेरी गति बिल्कुल ही बराबर थी।